नमस्कार, स्वागत है आपका कुंभ के मेले में जो अभी हरिद्वार में चल रहा है। कुंभ 12 साल में एक बार आता है और ये नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार में होता है। कुंभ से जुड़ी एक कहानी है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय पर एक तरफ दानव थे और एक तरफ देवता थे। काफ़ी सारी चीज़ें समुद्र मंथन से निकली, जैसे लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के दौरान ही निकली और अमृत विश। सो जब अमृत बांटा जा रहा था जो भी देवता बनी, तो एक राक्षस ने छल से उसे ग्रहण कर लिया, जो कि उनका वध कर दिया गया उसके बाद, पर वो अमर हो गए। तो अब वो जो वो राक्षस थे, वो राहु केतु के नाम से हमारे जो नौ ग्रह हैं उनमें एक वो भी है। और जो ये देवता और राक्षसों की जो लड़ाई या जो भी ये चला, ये तकरीबन 12 दिन तक चला। जो देवताओं का दिन होता है वो मनुष्य के एक साल के बराबर होता है, एक दिन। तो इसीलिए ये 12 साल का कुछ ऐसा लॉजिक मैंने पढ़ा था। और ऑफकोर्स जो कुंभ का मेला जिसमें जितना भीड़ रहता है, इस साल वैसा ही नहीं था। बट हाँ, भीड़ थी बट इतना नहीं था, और मैनेजमेंट वॉज गुड आई थिंक। और मैं एक ही दिन अकेले वहाँ पर थी। जो हर बार में भीड़ थी, आई थिंक वो ज़्यादा जो हाथुआ लोग हैं, जो अखाड़े वाले लोग हैं, ये उन लोग की रैली सी जा रही है। और ये लोग, आपने शायद इनके बहुत से फ़ोटोज़ देखे होंगे अभी सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पेपर्स में, तो ये लोग जो नॉर्मल जनता है, आम जनता से बहुत दूर थे। ऑफकोर्स आप देख सकते हैं वो हमारी रीत से बहुत दूर है। और इस बार इतनी भीड़ नहीं थी। और अगर आप जाना चाहें तो भी 27 अप्रैल तक कुंभ है। तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आपके क्या विचार है कि इस पैंडमिक के दौरान कुंभ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नारायण 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 माधव नारायण।